हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्राइंग की स्ट्रक्चर ड्राइंग में बहुत सारी वैरायटीज होती है सबसे पहले हम लुइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे ठीक है देन फिर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फिर हम लोग बात करेंगे कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में ओके okay? तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लुइस डॉट स्ट्रक्चर वाले कंसेप्ट से ओके तो लुइस डॉट स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट आपका अब स्टार्ट होने जा रहा है चलो देखो जरा सबसे पहले लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रूल्स की जरूरत है रेगुलेशंस की जरूरत है तो देख लेते हैं मेरे भाई रूल्स फॉर लुइस स्ट्रक्चर ड्राइंग फॉर अ मॉलिक्यूल हैविंग वन सेंट्रल एटम ओनली लुइस डॉट स्ट्रक्चर का कंसेप्ट ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए ही एप्लीकेबल है जिसमें सिर्फ एक सेंट्रल एटम है समझ तो में आ रही है मेरी बात एक सेंट्रल एटम है सेंट्रल एटम क्या होता बता दूंगा सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर वन रूल नंबर वन क्या है भाई कैलकुलेट एन वन ये है हमारा रूल नंबर वन एन वन का मतलब पता है क्या है क्या कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम मॉलिक्यूल में जितने भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के वैलेंशियल का टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज अगर कोई है तो ठीक है और या फिर नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज कुछ भी है तो ये क्या लिखा है yes, yes. तो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है ये नाम है इसका कार्बन मोनो ऑक्साइड हमारे पास एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड का मुझे कैलकुलेट करना है एन वन कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं चार इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं छह इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे एन वन की वैल्यू आ गई दस है ना अब हम क्या करेंगे हम जाएंगे रूल नंबर टू पे रूल नंबर टू कहता है कि अब एन टू कैलकुलेट करो एन टू कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर है तो इफ एनी मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स मल्टीप्लाइड बाई एट अगर कोई अदर एटम है तो मल्टीप्लाई करना है आठ से कार्बन मोनोऑक्साइड में देखें तो कोई हाइड्रोजन है क्या नहीं है है क्या नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इफ एनि मल्टीप्लाइड बाई टू है क्या नहीं है ठीक है तो अब हाइड्रोजन एटम नहीं है लेकिन अगर होता तो उसके रिस्पेक्ट में कितने अदर एटम है दो कौन एक कार्बन एक खुद ऑक्सीजन है ना तो नंबर ऑफ अदर एटम्स कितने टू इन टू एट यानी कि एन टू कैसे कैलकुलेट किया गया है आपको क्लियरली बता दूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है क्या नहीं है मल्टीप्लाई करना था कितने से दो से प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स किसके रिस्पेक्ट में अदर एटम्स हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अदर एटम तो हाइड्रोजन तो है नहीं लेकिन अगर होता तो दो एटम है कार्बन और ऑक्सीजन बोले तो टू मल्टीप्लाइड बाई एट तो ये तो जीरो और ये आठ धुनी सोलह तो यही तो है तो आ गया ना इंटू समझ में आ गई होगा आई थिंक अब तो समझ गए होगे okay? चलो बात करते हैं रूल नंबर थ्री के बारे में ठीक है सो रूल नंबर थ्री पे आ जाओ फटाफट ओके okay. सो so, मुझे कैलकुलेट करना है अब एन थ्री भाई हमने एन वन कैलकुलेट कर लिया एन टू कैलकुलेट कर लिया अब हम बात करेंगे यहाँ पे एन थ्री के बारे में ठीक है ना एन थ्री क्या डिनोट करता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एन थ्री डिनोट करता है कि बनने वाले बॉन्ड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए थे सो एन थ्री डिनोट नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ठीक है जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आप एन थ्री डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ए की वैल्यू और ए का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं A का मतलब है bond, exactly है है नंबर ऑफ बॉन्ड हाफ करना ठीक सो अगर मैं बात करूं एन थ्री की जो कि एन टू माइनस एन वन है तो मुझे पता है कि मेरा एन वन कितना आया था टेन एन टू कितना आया था सिक्सटीन तो सिक्सटीन माइनस टेन मतलब एन थ्री की वैल्यू आई मेरी सिक्स अब मुझे की वैल्यू निकालनी है तो क्या एन थ्री डिवाइडेड बाई टू तो ए की वैल्यू आई थ्री एन थ्री ने क्या बताया टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व थे इन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है इसने क्या बताया थ्री बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बता दिया इसने अब तीन बॉन्ड प्रेजेंट है तो तीन बॉन्ड कैसे होंगे भाई दो एलिमेंट हैं तो कॉमन सेंस की बात है ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा यार ठीक है तो आगे बढ़ते हैं रूल नंबर फोर पे ठीक है अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फोर एन फोर कैसे निकालेंगे एन वन माइनस एन थ्री तो एन वन कितना था आपका टेन एन थ्री कितना आया था माइनस ठीक है ना इतना ही आया था एन एन फोर एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करता है एन फोर डिनोट नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ठीक है एलिमेंट नहीं है वो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आएगा आएगा क्या ठीक है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जिसने केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो अब मुझे निकालना है बी की वैल्यू ठीक है मैं बताना चाहता हूं कि बी का मतलब क्या होता है बी का मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ लोन पेयर निकालना है क्या निकालना है नंबर ऑफ लोन पेयर ठीक है और बी कैसे निकलेगा बी निकलेगा आपका एन फोर डिवाइडेड बाई टू से ठीक है ये बी की वैल्यू है नंबर ऑफ लोन पेयर तो भाई सीधी सिंपल सी बात एन फोर आपका कितना आ जाएगा भाई दस में से छह गए आपका आंसर आया कितना चार आंसर आया एन फोर की वैल्यू आई चार तो बी की वैल्यू कॉमन सेंस की बात है कितनी आई टू तो दो लोन पेयर है अब वो दो लोन पेयर किस पे है कार्बन अकेले पे दो लोन पेयर है या फिर ऑक्सीजन अकेले पे दो लोन पेयर है या फिर एक लोन पेयर ऑक्सीजन पे है एक लोन पेयर कार्बन पे है ऐसा कॉमन सेंस यूज करना है तो ये सब आ गया नाउ अगली स्टेप क्या कहती है कि जैसे ही आपके पास एंड की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए तो आप क्या करेंगे ए और बी की इंफॉर्मेशन से स्ट्रक्चर को असाइन करने की कोशिश करेंगे कैसे सबसे पहले असाइन करने के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना होगा

ठीक है 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 समझ में आ रही मेरी बात 2.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन क्या है भैया आपका 3.5 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ है ना अब मैंने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने आए बेटा आपके तीन तो कैसे कनेक्ट करोगे एक दो तीन ठीक है तीन बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा 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 ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन और होते हैं सोचो जरा छे होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन चले गए एक दो तीन चले गए बचे कितने तीन है ना तीन बचे ना कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा यहाँ पे कार्बन के पास होते हैं चार इलेक्ट्रॉन टू एस टू टू पी टू तु। ठीक है तो बचे कितने बचे कितने कॉमन से सोचो 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 कितने बचे दो इलेक्ट्रॉन तो अब ये कौन सी बॉन्डिंग है ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है क्या जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग है सोचना पड़ेगा कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन दो बचे हैं हकीकत कुछ और है ये गलत है मेरे को लग रहा है क्या हो सकता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 तो so, इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग सही बैठा है यार मेरा दिल और दिमाग कह रहा है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी एग्जिस्ट कर रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई बॉन्ड है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर से बना है ऐसा ये है हकीकत और अगर ऐसा है तो कॉमन सेंस की बात है मैं पॉजिटिव चार्ज यहाँ दे दूंगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ दे दूंगा ठीक है क्योंकि डोनेट कर रहा है ना और वो एक्सेप्ट कर रहा है तो ये कहानी हो गई आपके कार्बन मोनोऑक्साइड की अब ये सही है ठीक है अब एक और चीज भी करेंगे हमने जो कुछ भी किया है हम उसे वेरीफाई करेंगे वेरीफाई द ऑक्टेट या फिर डुप्लेट फॉर एवरी एटम If found not complete for any atom, then utilize the lone pair calculated and do fulfill the octet. sab फिर हम लोग verify करेंगे कि octet पूरा है या नहीं डुपलेट पूरा है या नहीं सारे atoms के लिए अगर हमें पता लगता है कि नॉट कंप्लीटेड वाली सिचुएशन है तब हम लोग, लोग लोन पेयर का यूज करेंगे octet कंप्लीट करने के लिए जैसे मैंने यहां पर किया है ऑक्टेट पूरा है समझ रहे हैं मेरी बात आक पूरा है आगे चलते ठीक है तो अब हम बात करेंगे फॉर्मल चार्जेस की तो भैया फॉर्मल चार्जेस निकालने का एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा फॉर्मल चार्जेस का क्या होता है कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं और कार्बन पे कितने लोन पेयर हैं ठीक है थीके? अगर ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालना है तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने थे ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड है और ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर हैं ठीक है इस तरीके से देखना है तो हमें पता लगा कि कार्बन का फॉर्मल चार्ज माइनस वन है और ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज प्लस वन है तो इस तरीके से देखेंगे इससे और चीजें स्मूद हो जाती है ठीक है तो ये जो चीज मैंने अभी आपको बताई इसे थियोरटिकल लैंग्वेज में भी बता दूंगा ठीक है अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हो यानी कि टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन अ मच बेटर वे ठीक है वी वी कैलकुलेट हैल्कुलेट फॉर्मल चार्ज फॉर एनी एटम अकॉर्डिंग टू दमूला यूनिट फॉर्मूला यूनिट क्या है देख लो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला इस तरीके से होता है जिस एटम के लिए बात कर रहे हैं उसी के लिए नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड एसोसिएटेड विद दैट एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यूनिट्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यूनिट्स बोले तो लोन पेयर समझ में आ गई मेरी बात ये पूरी की पूरी एक फॉर्मूला यूनिट है ये पूरा का पूरा क्या है एक फॉर्मूला है ठीक है ये माइनस का निशान है तो इस चीज को जरा समझे अच्छे से ठीक है ये ना यार बार बार गड़बड़ कर देता है साला बोर्ड चलो आगे बढ़ते हैं यार अब एक नया आ गया मेरे सामने कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करते हैं कार्बन के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन तो दो ऑक्सीजन के पास बारह इलेक्ट्रॉन एन वन की वैल्यू सोलह एन टू निकालते हैं ठीक है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाइड बाई टू बट हाइड्रोजन एटम है ही नहीं है तो जीरो प्लस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अदर आइटम्स मल्टीप्लाइड बाई एट हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अदर आइटम्स कौन है एक कार्बन दो ऑक्सीजन यानी कि तीन मल्टीप्लाइड बाई एट यानी कि एन की वैल्यू चौबीस एन कैसे निकालेंगे भैया एन निकालेंगे एन टू माइनस कितना आया एट ठीक है चौबीस माइनस ठीक है जैसे ही आपका एन आ गया एन थ्री डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू का मतलब क्या है बेटा चार बॉन्ड ठीक है आठ का मतलब क्या था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ बॉन्ड फॉर्मेशन आठ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बन रहे हैं चार बॉन्ड यानी कि कॉमन सेंस की बात है डबल बॉन्ड बन रहा होगा सिमिलरली एन फोर निकालेंगे एन फोर कैसे निकालते हैं बता दिया मैंने आपको एन वन माइनस एन थ्री सिक्सटीन माइनस एट N4 जैसे ही आया बी की वैल्यू निकालो बी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ लोन पेयर तो एट डिवाइडेड बाई टू चार लोन पेयर तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी कार्बन कनेक्टेड है डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड सिग्मा है एक बॉन्ड पाई है एक बॉन्ड सिग्मा है एक बॉन्ड पाई है ठीक है दो लोन पेयर है तो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड ये देखो लुइज डॉट स्ट्रक्चर इतना आसान है मतलब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना एन थ्री माइनस भैया इसका नाम होता है एजाइड आयन क्या होता है यार इसका नाम एजाइड आयन वही एन वन निकाल लो एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन सॉरी एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पांच तो तीन नाइट्रोजन के पास पंद्रह से एक माइनस का चार्ज है तो होगा सोलह ठीक है एन टू निकालना हैल्टीप्लाइड बाई टू प्लस नंबर ऑफ अदर एटम्स मल्टीप्लाइड बाई एट हाइड्रोजन है नहीं लेकिन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तीन नाइट्रोजन है मल्टीप्लाइड बाई एट है तो ठीक है थ्री मल्टीप्लाइड बाई एट ट्वेंटी फोर आ गया एन थ्री निकाल लिया एन थ्री तो निकाल, निकाल, निकाल लिया तो ए निकाल लिया एन फोर निकाल लिया एन फोर निकाल लिया तो बी निकाल लिया ठीक है इस तरीके से बना दो हाँ अब यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो मोर स्टेबल और लेस स्टेबल पहचानेंगे ठीक है मोर स्टेबल लेस स्टेबल कैसे पहली बात तो मैं एक चीज बना देता हूँ ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है आपका सेकेंड स्ट्रक्चर ये है आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर रेजोनेंस हो रहा है दोनों के बीच में ठीक है बोथ आर क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बोथ ठीक है तो लेस स्टेबल और मोर स्टेबल की कहानी देखी जाए तो आप कैसे देखेंगे यहां पे भाई अगर देखें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ने ने चार बनाया, चार्ज. ने चार बनाया बनाया है है लेकिन सबसे ज्यादा कैसे देखोगे आप यहां पे फॉर्मल चार्ज, के है? फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं अभी आपको बता दिया है तो फॉर्मल चार्ज के बेसिस पर मोर स्टेबल और लेस स्टेबल की कहानी में आपको बता दे रहा हूं ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरे भाई दूसरी बात ये नाइट्रोजन क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट यहां पे सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है यहां पे एक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है कौन है वो बीच वाला ठीक है then. अब हम बात करते हैं अगर इफ मोर देन वन लुइस स्ट्रक्चर फॉर अ मॉलिक्यूल इज पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा कि अभी उसमें देख लिया एजाइड आयन में देखा ठीक है देन अब ये कहानी हो गई आपकी तो देखो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं भाई ओ3 का भी देखेंगे और आगे देख लेते हैं यार बहुत आगे आएंगे अभी रेजोनेंस का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल और वर्चुअल फिनोमेनन है जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद इन द कंपाउंड ठीक है हाइपोथेटिकल है ये ठीक है इससे आपको पता लगता है कि एक से ज्यादा लुइस स्ट्रक्चर पर बनाना पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए हालांकि रेजोनेंस को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है जीओसी वाले चैप्टर में ठीक है ना अब बात करेंगे किसके बारे में यार बॉन्ड ऑर्डर तो रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर और ही कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है दो एटम्स के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड की कहानी ठीक है बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला सिंपल सा क्या है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक है तो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और यह भी आप कर सकते हो बॉन्ड ऑर्डर का एक और फॉर्मूला वन प्लस वन बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ठीक है अब मान के चलो कि मेरे पास था क्या यार ओजोन ले लेते ले हैं ठीक है ओ थ्री का एग्जाम्पल ले लेते ले हैं डायरेक्ट तो समझ में आ जाएगा भाई ओ थ्री कैसे बनता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीजन ठीक है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका इस तरीके से ठीक है ये माइनस ये ऑक्सीजन ये पॉजिटिव ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर तो मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है बॉन्ड ऑर्डर निकालना है किसमें थ्री ओ जो वन में निकालना है तो कैसे निकालेंगे क्या लिखा है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम ठीक है अब यहाँ तो तीन एटम है अब क्या करेंगे गए अरे फंस गए ना तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टोटल बॉन्ड देख लो तीन है टू एटम की बात ही नहीं अब तो तीन है तो तीन देखो टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो है लो बॉन्ड ऑर्डर आ गया ठीक है ऐसे बेंजिन का भी देखते हैं वो ऑर्गेनिक में देखेंगे फिर फिर एक चीज याद रख लीजिए कि बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा ठीक है उतनी ही ज्यादा आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ठीक है बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ठीक है और जितनी ज्यादा बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, होगी, उतनी एनर्जी ज़्यादा ठीक है? समझ में आ गई होगी मेरी बात ओके? और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ तो वापस से एक और रिलेशन में यहां क्रिएट कर देता हूँ ठीक है उतनी आपकी बॉन्ड लेंथ कम होगी याद रखिएगा ठीक है ये आपस में कनेक्टेड है भाई ठीक है ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है फिर हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ लुइस थ्योरी ठीक है लिमिटेशन ऑफ लुइस थ्योरी और आगे बढ़ते हैं जरा सबसे बड़ी बात यह है कि लुइस थ्योरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि ये आयनिक कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है ठीक है और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड नहीं है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ठीक है सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं जरा नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन आई थिंक पांच कैसे पांच नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 हो गए पांच ये कितने हो गए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 2s2 2p4 6 6 प्लस इलेवन हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन तो फिर लुइस थ्योरी इसमें एप्लीकेबल नहीं है भाई पांच इलेक्ट्रॉन ठीक है ऑक्सीजन में छः और छः बारह कितने हो गए भाई ठीक है बारह और पांच सत्रह इलेक्ट्रॉन हो गई ऑड इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन सेवन भाई अरे मेरे भाई याद करो थ्री एस टू थ्री पी फाइव इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन? बारह हो गए इलेक्ट्रॉन तो भैया लुइस थ्योरी जो है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज लाइक दीज और एस जैसे बहुत सारे देन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपोवैलेंट कंपाउंड हाइपोवैलेंट जानते हो ना क्या होता है हाइपोवैलेंट लेस देन सिक्स इलेक्ट्रॉन है ना यही होता है ना हाइपर वैलेंट मोर देन एट इलेक्ट्रॉन ए सॉरी लेस देन एट इलेक्ट्रॉन सिक्स क्यों बोल रहा हूं मैं लेस देन एट इलेक्ट्रॉन लाइक बी एच टू बी सी एल टू ये सब मैंने आपको बताए थे ना ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है इसको सही कर देता हूँ ठीक है ए एल सी एल थ्री ठीक है देन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाइपर वैलेंट कंपाउंड हाइपर वैलेंट पता है ना क्या होता है More than eight electrons. Okay, like this PCL5, SF4. ठीक है बता चुका हूं सब पहले ही और क्या ये सब तो अब रिपीटेड पार्ट है अब हम लोग बात कर लेते हैं Lewis डॉट स्ट्रक्चर की ओके okay? Lewis डॉट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं सो so, Lewis थ्योरी के बारे में बात करेंगे Lewis डॉट स्ट्रक्चर से क्या लिखा हुआ है लुइस थ्योरी इज अनेबल टू प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप जोमेट्री बॉन्ड एंगल लाइक दैट मतलब मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज हैं लाइक शेप लाइक ज्योमेट्री लाइक बॉन्ड एंगल ठीक है like shape, like geometry, like angle, ये सारी चीज है ये सारे पॉइंट्स लुइस थ्योरी कवर नहीं कर पाता है इसके लिए एक अलग थ्योरी आती है हम लोग बाद में देखेंगे ठीक है अब जैसे कि फॉर दी एग्जाम्पल है एनओ थ्री माइनस ठीक है भाई एनओ थ्री माइनस कैसे बना होगा मैं बता देता हूं यार तुम्हारे पास होगा एनओ टू हमने जोड़ दिया एक और ऑक्सीजन ठीक है तुमने बना दिया एनओ थ्री माइनस ये कहानी है तुम्हारी ठीक है समझ में आ रही मेरी बात इस तरीके से सो so, यहां पे एनओ टू है ना तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है इस पे ओके तो इस तरीके की कहानी ये एनओ है आपके पास ये पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर अब मैं इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ ये दिख रहा है आपको टी शेप में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ ये आपको दिख रहा है उल्टा वाई वाई शेप है ये ट्राइंगल जो भी वॉट एवर का हो गया तो आपसे पूछेंगे कि भाई ये सच है या ये, ये सच है मतलब कि क्या ये रियल ज्योमेट्री है एनओ थ्री माइनस की या फिर ये रियल ज्योमेट्री मेट्री एनओ थ्री माइनस की पहचानने का तरीका आपको लूइज थ्योरी में नहीं बताया गया कैसे पहचानेंगे अकॉर्डिंग टू लुइस नोइंग हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी स्ट्रक्चर विल बी सेड एज फर्स्ट विल बी इन करेक्ट एंड सेकेंड करेक्ट क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में हम लोग क्या देखते हैं बॉन्ड एंगल हो ठीक है